हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल अकुशा क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज हम राखी स्पेशल के लिए कुछ राखी बनाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं यहाँ पर एक थिक कार्डबोर्ड ले रही हूँ और फेविकॉल के बैक साइड की बॉटल के हेल्प से एक सर्कल कट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, उसके आगे के पोर्शन की तरफ से भी एक सर्कल, छोटा सर्कल मैंने कट कर लिया है। मेरे पास कुछ ऐसा फैब्रिक रखा हुआ था पहले से, तो वो मैं अब यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस फैब्रिक को हम उस बड़े सर्कल के ऊपर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक करेंगे। छोटे सर्कल पर भी मैंने एक दूसरे कलर का फैब्रिक यूज़ किया है। अब सेंटर में मैंने एक पर्ल यूज़ किया है। आप चाहें तो मिरर यूज़ कर सकते हैं, कुंदन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डायमंड चेन उसके सहारे से यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप डेकोरेशन के लिए कुछ भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो। अब मैंने यहाँ पर एक बॉल चेन यूज़ कर ली है गोल्डन कलर की। मेरे पास ये कुछ स्टोन्स रखे हुए थे, वो मैं यूज़ कर रही हूँ टीयर ड्रॉप शेप के। फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं थ्रेड को एक साइड से टेप लगाकर उसमें पर्ल इंसर्ट कर रही हूँ। दो पर्ल इंसर्ट किए हैं मैंने। फ्रेंड्स, बाद में हम उस टेप को कट करके निकाल देंगे थ्रेड में से। एक चार्ट पेपर लिया है मैंने। अब सेंटर में मैं थ्रेड रख कर चार्ट पेपर को स्टिक कर दूंगी। और फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सूखने के बाद इस स्टेप को यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारी राखी रेडी हो गई है। देखिए, लगती है ना बिल्कुल मार्केट जैसी राखी। तो चलिए सेकेंड मेथड पे चलते हैं। मैंने यहाँ पर पेपर क्विलिंग स्ट्रिप्स आती हैं, वो यूज़ किए हैं। उससे पहले मैं एक सर्कल बना रही हूँ और फिर उसको शेप देने के लिए आगे से पिंच आउट किया तो टीयर ड्रॉप शेप बन गई। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर के काफी सारे क्विलिंग टीयर ड्रॉप शेप, सर्कल शेप करके रखे हैं। आप कोई से भी कलर के यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक चार्ट शीट लिया है, उसके ऊपर मैंने सारे टीयर ड्रॉप शेप सर्कल सेंटर में प्लेस कर दिया है और उसके साइड साइड में सारे टीयर ड्रॉप शेप स्टिक कर रही हूँ। फ्रेंड्स, उसको हम थोड़ा टाइम सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद जो एक्स्ट्रा चार्ट पेपर है उसे कट कर लेंगे। अब ये कुछ मुझे खाली खाली सी राखी लगती है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कुंदन है, मोती है, पर्ल चेन है, बॉल चेन है, जो भी एक्स वाई जेड आपके पास मटेरियल है घर में ही अवेलेबल, उसी से हम उसको डेकोरेट कर लेंगे। गाइज, आप हमारे वीडियोस को देखना पसंद करते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएंगे हमारे नए नए वीडियोस का।
गाइस इस राखी आप भी ट्राई कीजिए हैंडमेड राखीज, और अपने भाइयों को बांधिए हैंडमेड राखीज, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी राखी ट्राई करी। मैंने यहाँ पे थ्रेड के लिए वूल का यूज़ किया है, आप रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं, मॉली का यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर डेकोरेटिव आपके पास कोई डोरी हो या कुछ भी हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स और भी राखी मेकिंग के आइडियाज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सेकेंड राखी पेपर क्विलिंग विद कुंदन राखी रेडी हो गई, लगती है ना कितनी सुंदर। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इन सब मेथड में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा। तो चलिए चलते हैं तीसरे राउंड पर। मैंने यहाँ पर एक वेस्ट मेटल बैंगल का यूज़ किया है, उसको मैं सेंटर में से कट कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद मैंने उसको राउंड शेप दिया है। फ्रेंड्स आप बॉटल की हेल्प से या किसी भी बॉटल की हेल्प से उसको राउंड शेप दे सकते हैं। उसको स्टिक करने के लिए फ्रेंड्स मैंने फेविबॉन्ड का यूज़ किया है। फ्रेंड्स अब एक पिक्चर का यूज़ करेंगे, जिसके लिए भी आप ये राखी बना रहे हैं उसका एक पिक्चर लगेगा, उसको हम उसी सर्कल के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। देन फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम उसको उस रिंग के अकॉर्डिंग उसको स्टिक कर लेंगे। फिर मैंने एक चार्ट पेपर लिया है, उसको भी रिंग के अकॉर्डिंग हम सर्कल कट कर लेंगे। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स अब मैंने रिबन यूज़ किया है। आज के वीडियो का शाउट आउट जाता है मिस ज्योति गुप्ता को फॉर सजेस्टिंग दिस टॉपिक, उसको भी बैक साइड से स्टिक करके चार्ट पेपर की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। ये थोड़ा मुझे खाली खाली लगता है तो इसको डेकोरेशन करने के लिए मैंने पर्ल का यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स पर्ल्स को हम फेविबॉन्ड की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी फोटो राखी रेडी हो चुकी है। टंडन एंड गाइस आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।